आशा न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। रंगत के सड़क से लोगों को हो रही है परेशानियां। रंगत के दशरथपुर वार्ड नंबर 3 के लोगों का कहना है कि इस सड़क का निर्माण 1 साल पहले पूरा किया गया था, पूरा होने के 3-4 महीने बाद ही सड़क पर गड्ढे हो गए। वहां के लोग कह रहे हैं कि पंचायत के प्रधान को यह समस्या सूचित करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही सड़क के किनारे झाड़ियों के बढ़ने से आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियां हो रही है। इस वजह से वहां के लोग चाहते हैं कि सड़क के किनारे जो झाड़ियां हैं उन्हें APWD द्वारा जल्द से जल्द कटवाया जाए और साथ ही सड़क का भी जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता द्वारा ली गई रिपोर्ट द्वारा रंगत के दशरथपुर के लोगों का क्या कहना है। मैं न्यूज आप तक से अप्रेश, अभी हम लोग दशरथपुर वार्ड नंबर 3 में है। चलिए यहाँ के जो निवासी है उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम? अभिलम मिस्त्री। सर आपका क्या दुविधा है? सर इधर जो रोड है वो रोड तो खराब हो गया, 1 साल हुआ बनाया, अभी एकदम पूरा रोड खराब हो गया। इधर से स्कूल बच्चे भी जाता और इधर से जो लोड गाड़ी है वो भी जाता, इधर से पूरा खराब हो गया रोड। कितने दिन से सर इस तरह का दुविधा का सामना करना पड़ रहा है? 1 साल का अंदर बनाया तो 3-4 महीना ही रोड अच्छा था, अभी इधर से जो लोड गाड़ी जाता है वो एकदम पूरा खराब हो गया। और जो साइड में जो कचरा है वो भी पंचायत करता नहीं, सफाई भी नहीं करता। तो आप कभी किसी मतलब तब PRA स्टाफ नहीं तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन किसी स्टाफ को सूचित किए? सूची नहीं किया, लेकिन प्रधान था वो टाइम तो बोला जे थोड़ा सफाई करो, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया। आप क्या चाहते हैं सर? हम फिलहाल फार्मर ही है। ओके, नहीं आप क्या चाहते हैं सर इसके ऊपर तो सफाई करना चाहिए, नहीं तो रोड खराब हो गया। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, रोड भी काफी खराब है। कितने दिन हुआ है सर? कितना दिन हुआ है सर इधर रोड बन के? सर रोड बन के 1 साल हो गया। ओके सर, मेडिकल वगैरह का अगर कुछ प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस वगैरह अगर आने के लिए शायद दिक्कत होता होगा, तो यहाँ पे रोड का जैसा कंडीशन मैं देख रहा हूँ तो आप तो होने से तो हम लोग को थोड़ा समय जाके 1 किलोमीटर समय जाके फिर जाना पड़ता है। जो एम्बुलेंस इधर आता गड्ढा है करके नहीं आता। ठीक है, धन्यवाद जी अभिराम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर आपका नाम? सर आपका क्या दुविधा है? सर तकलीफ तो हो रहा है, तकलीफ तो बहुत कुछ होता है, बगल में कचरा हो गया, ड्रेन ड्रेन में या कुछ में पानी रोड के ऊपर से जाता, बहुत कुछ तकलीफ होता है। जैसे भी सुनने में आया सर, यहाँ से जितने भी वाहन चालक जाते हैं, कोई अगर स्पीड में जाते हैं तो आप लोग को भी परेशानी दिक्कत होता है, यहाँ पे गुजरने का टाइम में टर्निंग में दिखाई नहीं देता, तो रोड इंसिडेंट वगैरह होने का चांसेस है, एक्सीडेंट वगैरह होने का चांस तो चांस है। अभी हम लोग क्या करें, अभी बारिश के समय में क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? अभी जैसे बारिश चल रही है सर, अभी ये पेड़ पौधे इतना बढ़ चुका है कि सब रोड के ऊपर आ रहा है, अभी तो हमें सामने पे टर्निंग पे दिखाई भी नहीं दे रहे कि सामने क्या आ रहा है करके। तो अभी हम लोग यही दुविधा में है कि अब APW का काम है, हम लोग आके ये सब देख सकते हैं, अभी हम लोग ये सब का ठीक कर सकते हैं। अभी रोड का बगल ड्रेन नहीं है, सब रोड के ऊपर से पानी जाते हैं, रोड का हाल दिखे, रोड एकदम पूरा ख़राब हो चुका है। अभी यही हम लोग बात है कि APW को बोले कि यहाँ पर टर्निंग पर अच्छे से साफ सफाई से रखें, और ये निवेदन है। धन्यवाद सर, आपसे जो जानकारी मिले, हम न्यूज आप तक से अप्रेश। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।